हे hey दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, अगर आप भी अपना चैनल को सर्च बार में बड़ी आसानी से लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो आप जरूर आखिर तक देखना। मेरे एक दोस्त है मिलन राज के नाम से, और उनका भी एक चैनल है टेक्निकल मिलन राज के नाम से, और उनका चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और आप वहां पर जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल टेक्निकल मिलन राज पे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब चैनल जो हमारे सर्च बॉक्स में नहीं आ रहा है, जैसे कि हम अपना चैनल सर्च करेंगे टेक्निकल मिलन राज, तो हमारे चैनल सर्च बॉक्स में नहीं आता है, तो हमें क्या करें कि कैसे क्या करना। यूट्यूब पे हम बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम क्या करें कि हमारे चैनल सर्च बॉक्स में आए। मतलब कि बहुत से यूट्यूबर क्या बताते हैं कि एडवांस सेटिंग में जाओ, वहाँ चैनल कीवर्ड में अपना चैनल का नाम डालो तो आपका चैनल सर्च बॉक्स में आ जाए। कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि 10-15 दिन रुको, उसके बाद आपका चैनल सर्च बॉक्स में आएगा। अभी तो नया चैनल बना है भाई। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चैनल तुरंत क्रिएट करने के बाद आपका चैनल सर्च बॉक्स में यूँ फ्रंट पेज पर आएगा, जैसे कि आपने अभी चैनल बनाया टेक्निकल मिलन राज, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च मारा टेक्निकल मिलन राज और आपका चैनल यूं फ्रंट पे आ गया। ये नहीं कि दोस्तों हमने चैनल अपना सर्च मारा और इधर उधर की वीडियो लाइन में आनी शुरू हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, हम आपको जो ट्रिक बताएंगे वो 100% वर्क करेगा। मैंने सभी यूट्यूबरों के वीडियो देखने के बाद ये वीडियो बनाया है, मतलब कि डिटेल में नहीं बताया किसी ने भी कि क्या कैसे क्या करना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आपका चैनल 100% जरूर आएगा आपके सर्च बॉक्स में। मैंने भी यही तरीका अपनाया है, मेरा चैनल भी बहुत दिनों से सर्च बॉक्स में नहीं आ रहा था। तो चलिए दोस्तों, अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है ताकि आपका वीडियो, मतलब कि आपका चैनल सर्च बॉक्स में आने लगे। अपने मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको अपना यूट्यूब ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर से देखिए, यहाँ पे यूट्यूब ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे अपने चैनल के आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको क्रिएट स्टूडियो पे जाना है। क्रिएट स्टूडियो पे आने के बाद आपको यहाँ पे बाय चैनल के ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, उससे पहले मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। यहाँ अपना यूट्यूब ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैंने ऑफिशियल मिलन राज लिखा है, तो यहाँ पे मेरा चैनल नहीं आ रहा है। तो अब आपको मेरा चैनल यहाँ पे कैसे आएगा सर्च बॉक्स में, वो भी पहले मैं आपको बताता हूँ। फिर से अपने क्रोम ब्राउजर पे चले जाइए, और आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी नहीं करना। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में एक टेक्निकल मिलन राज लिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको लोडिंग होएगा, फिर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस आपको इसको हटा देना है। और जिस चैनल, मतलब कि जिस चीज से आपका सर्च बॉक्स में मंगाना चाहते हैं, मतलब जो आपका चैनल का नाम है, यहाँ पे लिख दीजिए। वहां पे नाम था मेरा ऑफिशियल मिलन राज। लिखने के बाद आपको यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ देखिए, मेरा यहाँ पे ऑफिशियल मिलन राज लिख गया है। तो एक बार फिर से चलिए और YouTube ओपन करके देखते हैं कि हमारा चैनल सर्च बॉक्स में आया कि नहीं है। देखिए, अब इसको यहाँ पे कट कर देना है, और फिर आपको फिर से वापस अपने चैनल का नाम लिखना है और तब सर्च करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले में ही मेरा चैनल आ गया है टेक्निकल मिलन राज। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे चैनल का नाम आ गया है। यहाँ पे फ्रंट पेज में ही मेरा सबसे चैनल का नाम आ गया है। और देखा दोस्तों आपने कैसे मेरा चैनल आ गया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, उस बंदे ने हमें बताया था कि ये वीडियो आप मेरा कैसा था। और अगर कोई कमी भी हो ना इस वीडियो में तो जरूर बताना नीचे कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मैं आगे से आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तभी तो आपका ऐसी सपोर्ट बना रहेगा, और ऐसी सपोर्ट बनाई रहिए, बना जैसे अभी बना हुआ है वैसी सपोर्ट बना रहना चाहिए, ताकि हम आपके लिए और आगे से बढ़िया बढ़िया वीडियो लाएं और कॉन्टैक्ट लाएं, ताकि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और
एक बार मैं फिर से गोगी टेक चैनल को थैंक यू बोलूँगा ताकि उन्होंने हमें अपने चैनल पे आने का मौका दिया। तो और मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं और मेरे चैनल के और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हमारे चैनल को विजिट कीजिए। और तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।